हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नू पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, डैट इज़ यूनिट 18 इंडिया जापान ट्रेड। इससे पहले ऑलरेडी हम यूनिट 19 और यूनिट 20 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आगे आने वाला साल बहुत अच्छा हो और अपनी लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर पाए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि हम लोग अब 1000 हो गए हैं। यू हर्ड इट राइट, नाउ वी आर फैमिली ऑफ 1000। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, फॉर योर लव। इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आगे काफ़ी दूर तक साथ चलेंगे और पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। चलिए अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने आपको लिंक शेयर कर दिया है। जून 2020 का आपको जो टर्म एंड एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आ चुका है, तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं चेक किया है अपना रिजल्ट तो उसको चेक कर लीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो से आप में से किसी की अगर 1% भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग ज़रूर करिएगा, ठीक है? अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है, टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करना चाहते हैं तो ये रहा इग्नू ई पाठशाला, ठीक है? तो अगर 1% भी आपकी हेल्प हुई हो मेरे वीडियोज़ की वजह से तो प्लीज़ मुझे अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया जापान ट्रेड के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं थोड़ी बहुत बातें जापान के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, सो लास्ट 3 डिकेड्स में जो जापान की इकोनॉमी है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी है। और अगर कोई इकोनॉमी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती है तो जो उसका BOP होता है वो सरप्लस में चला जाता है, राइट? तो जापान के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका जो BOP था वो सरप्लस में गया। और जब हमारे पास सरप्लस होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, राइट? जैसे अगर आपके पास भी फंड ज़्यादा हैं तो आप यही सोचेंगे ना कि हम अगर इसको आइडल रखेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी रहती है तो सरप्लस भी जनरेट होता है और उसकी वजह से हम आगे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जापान की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम जापान की मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट को जापान ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर रखा था। और उसी क्या वजह थी कि उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन ईजिली कर सकते थे कम टाइम के अंदर, कम कॉस्ट में, और जो प्रोडक्ट्स होते थे वो क्वालिटी वाइज भी बेस्ट होते थे, ठीक है? तो यहाँ पर जापान ने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट को डोमिनेट कर रखा था। और सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि जो एग्जिस्टिंग पावर्स थी, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज थी जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में डील करती थी, उसमें आगे थी, डोमिनेट कर रही थी मार्केट, उनको जापान की इकोनॉमी ने, जापान की मार्केट ने टफ कॉम्पिटिशन दिया था, ठीक है? लेकिन जापनीज करेंसी की वैल्यू गिरने के बाद, जो कि आपकी कौन सी है, येन, वो अनस्टेडी अनस्टेबल हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जापान की इकोनॉमी थी वो तेज़ी से गिरना शुरू हो गई और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया था। अगर मैं अप्रैल 1998 की बात करूँ तो 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुँच गया था, ठीक है? गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनकी, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो इन ऑल जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो उनकी करेंसी है, जापनीज करेंसी येन, वो डिक्लाइन करने लग गई, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी, ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जापान। सो जापान्स रियल आउटपुट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन इन द शॉर्ट टर्म ओइंग बोथ
to an anticipated weakening of domestic demand and the poor prospects for exports. Japan's corporate sector faces a number of hurdles. The more immediate problem is that many companies are being starved of funds as banks cut back on lending to all but the most creditworthy borrowers. Reluctance to lend by banks is certain to have a damaging effect on corporate sentiments. As a direct result of the current credit crunch, corporate bankruptcies are reaching record levels. ये भी हमने डिस्कस भी किया था कि जो जापान की इकोनॉमी थी वो पहले बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन येन के अनस्टेडी अनस्टेबल होने के बाद, साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरने के बाद, जो जापान की इकोनॉमी थी वो काफी तेजी से नीचे गिरने लग गई थी, राइट? और अगर यहाँ पे हम जापान के कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। सबसे पहली दिक्कत क्या थी कि उनके पास फंड्स ही नहीं अवेलेबल थे। अब जब फंड्स अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बैंक से लेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैंक्स भी उनको लेंड करने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो उन्हें रीपे नहीं कर पाएंगे, राइट? तो बैंक भी बस कुछ ही ऐसे बोरोवर्स को लेंड करता था जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी थी, बाकी सबको ही बैंक ने मना कर दिया। अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर्स के पास फंड्स ही नहीं होगा तो वो आगे कैसे ऑपरेट करेंगे? तो ऐसे करते करते जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स थे वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए थे और काफी कॉर्पोरेट सेक्टर्स बैंकरप्ट भी हो गए थे। और उस साल ऐसा देखा भी गया कि सबसे ज्यादा बैंकरप्टीज भी हुई थी, ठीक है? Consumer sentiments in Japan is currently poor. Private consumption expected to have declined by 1.7% in 1998 is expected to rebound further. The continuing fall in land prices together with the fall in the stock market and the rising unemployment are some of the factors responsible for the weak economic situation. So far, as slowdown in Japanese export is concerned, it is primarily because of the economic constraints in key Asian markets, decelerating growth in the United States, and the recent strengthening of the yen against dollar. अब यहाँ पे अगर हम जापान के कंजम्पशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी जापान की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लैंड प्राइसेस धीरे धीरे गिरते जा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ता जा रहा था। एक तरह से कहें तो इकोनॉमी बहुत ही बुरी कंडीशन में आ चुकी थी, ठीक है? फिर अगर हम इसके एक्सपोर्ट्स की बात करें, इसके एक्सपोर्ट्स क्यों गिर गए? सबसे पहली चीज़ क्या थी? इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंस हो गए थे एशियन मार्केट्स में, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स की जो मार्केट है वहाँ भी मंदी आ गई थी और जो डॉलर था उसका भी कहीं ना कहीं जो प्राइस था वो गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से येन तो अप्रिशिएट कर गया था, येन स्ट्रेंथन हो गया था, लेकिन डॉलर्स के प्राइस गिरने की वजह से एक्सपोर्ट्स की मार्केट जापान की अफेक्ट हो गई थी, ठीक है? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान। जापान वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोसेसिंग इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स which were partly destined for export markets, mostly in Western countries. But in recent years, markets in other Asian countries have been expanding rapidly. तो ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि जापान ने जो अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट है उसको एक तरह से कह सकते हैं डोमिनेट कर रखा था। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रीज थी, जो लीड में थी, उनको भी एक टफ कंपटीशन दिया था और आगे निकलने की कोशिश करी थी। लेकिन इस मैन्युफैक्चर्ड गुड को पूरी तरह से प्रिपेयर करने में कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, राइट? तो इन इनपुट्स को जापान क्या करता था? इम्पोर्ट करता था। और जो ये एक्सपोर्ट्स क्रिएट होते थे, मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन जाते थे और इन्हें एक्सपोर्ट किसे किया जाता था? मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज को किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्सपोर्ट एशियन कंट्रीज में भी करना शुरू कर दिया था, ठीक है? The shipment of machinery and parts to Japanese production plants in neighboring countries with lower wage costs and subsequent shipment of finished goods back to Japan have substantially boosted trade flows with Asia. देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो भी manufactured goods थे उनको export किया जाता था western countries में और धीरे धीरे with the passage of time ये एक्सपोर्ट्स एशियन कंट्रीज तक भी बढ़ गए थे। तो एक तरह से जापान अपना ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करने लगा था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जापान को मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, और उन्हें अपना ट्रेड भी बढ़ाना है।
तो जापान ने क्या किया, नेबरिंग कंट्रीज में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को एस्टैब्लिश करा, ठीक है, और वहाँ पे मशीनरीज को एस्टैब्लिश करा, मतलब मशीनरीज को वहाँ पे शिप करवाया, वहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन होता था। और वहाँ पे प्रोडक्शन इसलिए होने लगा क्योंकि जो कॉस्ट थी वो कम लगने लगी थी, और जब उस यूनिट में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता था, फिनिश गुड बन जाता था, उसे फिर जापान वापस भेजा जाता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे वो एशियन कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स या अपने ट्रेड को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो जापानीज प्रोडक्शन प्लांट है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज में स्टैब्लिश कर दिया था, उससे वहाँ पे भी उन लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ होगा, राइट। ऐसे ही नहीं कोई प्रोडक्शन प्लांट वहाँ पे स्टैब्लिश करने देगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला होगा, है ना, और कम कॉस्ट में प्रोडक्ट्स भी बन गए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा था एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। पार्टली बिकॉज ऑफ वेरियस अग्रीमेंट्स ऑन वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स एंड जापानीज मेजर्स टू रेज मार्केट शेयर्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, द लार्ज बायलेटरल ट्रेड सरप्लस विद द यूएसए फेल फ्रॉम इट्स पीक ऑफ 66 बिलियन डॉलर्स इन 1994 टू 48 बिलियन डॉलर्स इन 1996, ऑल्दो दिस हैज ट्रेंडेड अपवर्ड्स अगेन इन 1997। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका जापान है वो एशियन कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, राइट। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि यूएसए के साथ जो उसका बाइलेटरल ट्रेड था वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफेक्ट होने लग गया था। अगर हम 1994 की बात करें तो जो आपका रेट 66 बिलियन डॉलर था वो घट के 1996 में 48 बिलियन डॉलर बचा, ठीक। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद 1997 में ये फिर से आगे बढ़ने लग गया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये जो पीक था वो स्लो डाउन हो गया था, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द नैरोइंग ऑफ द ट्रेड सरप्लस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ येन विच हैज डिप्रेस द डॉलर वैल्यू ऑफ जापानीज एक्सपोर्ट्स। However, the structure of Japanese imports has changed since the mid-1980s with manufacturers taking an ever-increasing share, currently around 60%. अब देखिए क्या हुआ, यूएसए के साथ जो जापान का बाइलेटरल ट्रेड था या कह सकते हैं ट्रेड सरप्लस जो था वो क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लग गया था। अब उसके कम होने की क्या वजह थी कि येन तो डेप्रिशिएट कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जो जापानीज एक्सपोर्ट की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो भी कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट करने लग गई थी, जिसकी वजह से यूएसए को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। सो अगर इन ऑल हम इसको समराइज करके देखें तो सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि जापान में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट काफी अच्छी है और डोमिनेट भी कर रखा है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इनपुट, जो रॉ मटेरियल की जरूरत है वो जापान क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, और जो भी एक्सपोर्ट्स को क्रिएट करता है वो वेस्टर्न कंट्रीज में सेल करता है। लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम एशियन कंट्रीज में भी आगे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया था जापान ने, राइट। नेक्स्ट, अब एशियन कंट्रीज के साथ जापान को अपने ट्रेड को बढ़ाना था तो इन्होंने क्या किया, जापानीज प्रोडक्शन प्लांट को अपनी नेबरिंग कंट्रीज में स्टैब्लिश किया और वहाँ पे मशीनरीज को सेटअप करवाया, वहाँ पे प्रोडक्शन करवाते थे, और जब प्रोडक्शन पूरा हो जाता था, जब प्रोडक्ट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता था तो उसे जापान में वापस भेज दिया जाता था, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो आपका ट्रेड है उसको और बेहतर करने की कोशिश करी गई, जब नेबरिंग कंट्रीज में यूनिट्स को स्टैब्लिश करा गया तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी हुआ होगा जनरेट, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जापान को भी कुछ ना कुछ फायदा था, जैसे जो उनकी कॉस्ट थी प्रोडक्ट को बनाने की वो भी कम आने लग गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे एशियन कंट्रीज के साथ तो ट्रेड अच्छा हो गया था, लेकिन यूएसए के साथ जो बायलेटरल ट्रेड था वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफेक्ट होना शुरू हो गया था। जो इनका सरप्लस 66 बिलियन डॉलर था 1994 में वो घट के 48 बिलियन डॉलर हो गया था 1996 में, और ये ट्रेड सरप्लस कम होने की क्या वजह थी कि येन तो डेप्रिशिएट हो रहा था, येन क्या है, जो जापान की करेंसी है वो तो डेप्रिशिएट हो रही थी, लेकिन जो जापानीज एक्सपोर्ट है उसकी जो डॉलर वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही थी, जिसकी वजह से यूएसए को काफी ज्यादा नुकसान होने लग गया था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जापानीज ने या जापानीज मार्केट ने अपने जो इम्पोर्ट्स हैं उनमें काफी ज्यादा चेंजेस ला दिए हैं, जैसा कि आप खुद देख भी रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अब इसको जल्दी से एक बार रीड आउट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ रीड आउट कर दूंगी तो शायद आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक जरूर रहेगा। ठीक है, जापान्स प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल्स एंड मेटल्स। इलेक्ट्रिक मशीनरी अकाउंटेड फॉर 25.14% ऑफ जापान्स टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 1999, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 23.48%, नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी 22.05%, केमिकल्स 7.60% एंड मेटल्स 5.90%। दीज फाइव आइटम्स टूगेदर अकाउंटेड फॉर 84% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान इन द ईयर 1999। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है वो आपकी ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें इससे ज्यादा अपडेटेड डेटा है तो आई सजेस्ट आप पेपर में वही लिखिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जापान के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कुछ ऐसे पांच आइटम्स हैं जिन्हें जापान एक्सपोर्ट करता था। सबसे पहले क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इसके बाद केमिकल्स और मेटल्स। और इन सब को अगर हम मिला लें, ठीक है, तो 84% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट बनता था जो कि जापान एक्सपोर्ट करता था इन द ईयर 1999। ठीक, सो फार एज जापान इम्पोर्ट्स आर कंसर्न्ड, द इम्पोर्टेंट आइटम्स इंक्लूड्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मिनरल फ्यूल्स, फूड, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स अकाउंटेड फॉर 34.52% ऑफ जापान्स टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 1999, फॉलोड बाय मिनरल फ्यूल्स 17.62%, फूड 15.73%, केमिकल्स 8.20% एंड टेक्सटाइल्स 7.42%। दीज फाइव आइटम्स टुगेदर अकाउंटेड फॉर अबाउट 83% ऑफ टोटल जापानीज इम्पोर्ट इन 1999। तो अभी हमने बात करी थी जापान के एक्सपोर्ट की और कुछ पांच ऐसे आइटम्स है जिन्हें एक्सपोर्ट करता था। अब यहाँ पे अगर हम इम्पोर्ट्स की बात करें तो इम्पोर्ट कौन से कौन से आइटम्स करते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, मिनरल फ्यूल्स, फूड्स, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। तो पांच आइटम्स को इम्पोर्ट करता था और पांच आइटम्स को एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट्स अगर हम मिला ले तो ये 84% ऑफ एक्सपोर्ट बनता था जापान का, और अगर हम इम्पोर्ट्स को सारे मिला ले तो 83% ऑफ टोटल जापानीज इम्पोर्ट बनता था इन द ईयर 1999। ठीक है, दोबारा कह रही हूँ, अगर आपकी बुक में ज्यादा अपडेटेड डेटा है तो आप वही रेफर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट मार्केट की। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जापान्स मेजर एक्सपोर्ट मार्केट, जहां पे जापान अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, जो कि है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया एंड हांगकांग। इन द ईयर 1999, यूएस अकाउंटेड फॉर 30.7%, फॉलोड बाय ताइवान 6.9%, चाइना 5.6%, साउथ कोरिया 5.5% एंड हांगकांग 5.3%। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कहाँ से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करता था या कौन से सप्लायर्स थे, वो है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो यूएस अकाउंटेड फॉर 21.7% ऑफ द टोटल जापान इम्पोर्ट्स, फॉलोड बाय चाइना 13.8%, साउथ कोरिया 5.2%, ताइवान 4.1% एंड ऑस्ट्रेलिया 4.1%। अब इसको याद रखने का तरीका भी समझ लीजिए। देखिए, अभी हमने बात करी थी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट की, तो दोनों ही जगह पांच ऐसे आइटम्स से जिन्हें एक्सपोर्ट करता है और जिन्हें इम्पोर्ट करता है जापान, राइट। अब यहाँ पे अगर इसकी मार्केट की बात करें तो आप ये देख रहे होंगे कि पांच कंट्रीज हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है और पांच कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट, अब जो आप कंट्रीज देख रहे हैं उसमें कंट्रीज काफी सिमिलर है, जैसे आपको यूनाइटेड स्टेट्स से एक्सपोर्ट भी करता है, इम्पोर्ट भी करता है, फिर ताइवान से भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही करता है, चाइना से भी और साउथ कोरिया से भी, राइट। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसमें है, अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करें तो हांगकांग अलग है, और अगर इम्पोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अलग है, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में वो सारी की सारी सेम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब डिस्कस कर लेते हैं इंडिया जापानीज ट्रेड के बारे में, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले टॉपिक्स आपने पढ़े वो पूछने जाते हो, पेपर में आए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने उन्हें कवर भी करा है, ठीक है। अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखे होंगे IBO3 के, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने इसलिए वो टॉपिक्स भी कवर किए। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो हमेशा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। तो इंडिया जापनीज ट्रेड भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे आपका जो टॉपिक है इंडिया जापनीज ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंडिया जापनीज ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक रिकवरी, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड हाई स्पीड ग्रोथ ऑफ जापान, द टू कंट्रीज डिस्कवर्ड दैट ईच ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज टू द अदर इन द रियलाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमिक गोल्स। द डिजायर टू कन्वर्ट दोज अपॉर्चुनिटीज टू रियालिटीज मेड देम टू फॉर्ज क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन कंपासिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन एंड क्रेडिट फाइनेंस ट्रांजैक्शंस। हाउएवर इट रिमेन्ड लार्जली ट्रेड ओरिएंटेड। तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इतनी सी बात कही है कि इंडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, इकोनॉमी हमारी आगे बूस्टअप होती जा रही थी, साथ में जापान की भी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो दोनों ही कंट्री ने एक तरह से कह सकते हैं ट्रेड को अपने बढ़ाने के लिए साथ आए, ठीक है, क्लोजर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सके हमारी, और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो सके, क्रेडिट फाइनेंस की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सके। तो इन ऑल कहने का मतलब है कि कंजीनल एटमोसफेयर, कंजीनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी थी दोनों ही कंट्रीज़ ने, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू जापान। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया किन प्रोडक्ट्स या आइटम्स को जापान को एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इंडिया सप्लाइड रॉ मटेरियल्स टू जापान एंड इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था जब हम फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे थे जापान का, कि एशियन कंट्रीज के साथ जापान अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करने की कोशिश कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा था, है ना। और वहाँ पे क्या होता था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता था उसे क्या करता था, इम्पोर्ट करता था, राइट। तो इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता था जापान को, और बदले में जापान से जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इम्पोर्ट करता था, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात एक बताना चाहती हूँ कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, और स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, लेकिन आप उसको भार की तरह पढ़ेंगे ना तो कभी भी नहीं याद रहेगा, है ना। अभी अगर मैंने आपको चीज़ें बताई आपको याद होंगी, क्यों, क्योंकि मैं आपको एक तरह से कहानी की तरह उसे समझाती जा रही हूँ, और फिर वो चीज़ें कहाँ से रिलेट हो रही हैं वो भी आपको बताती जा रही हूँ, है ना, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहें। आपको बार बार वो चीज़ें रिकॉल इसीलिए करवाती हूँ ताकि याद रहे लंबे टाइम तक, ठीक है। तो आप जब खुद भी पढ़ा करिए तो स्टोरी की तरह पढ़ा करिए, कि आपने जैसे पढ़ा फिर आप उसको सम अप करिए कि आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, इससे क्या की पॉइंट्स आपने निकाले। अगर आप उसको स्टोरी की तरह याद रखेंगे, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप पेपर में नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे और आपको लगेगा कि बस हाँ पढ़ना है किसी तरह, तो सच बता रही हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं याद आएगा, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक। अब देखिए अगर आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखनी है ना, तो सबसे अच्छा तरीका जो मैंने खुद भी यूज़ किया है वो ये है कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद को चीज़ें एक्सप्लेन करिए जो आपने पढ़ा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे समझ में आ गया ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, ठीक। मिरर के सामने खड़े होइए, खुद को एक्सप्लेन करिए, देखिए आप एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे इसका मतलब आपने चीज़ों को ढंग से पढ़ लिया है और आपको अब याद रहेगी, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा और उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार ये ट्राई करिए और देखिएगा कि आपको याद भी रहेगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक कह सकते हैं ना एक सीक्वेंस में चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा। चलिए बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट टू जापान कंसिस्टेड मेनली ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वेयर एज इम्पोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। थ्री प्रोडक्ट्स विद आयरन ओर,
मरीन प्रोडक्ट्स एंड डायमंड्स अकाउंटेड फॉर 3/4 ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट टू जापान। तो इंडिया के अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी? आयरन और मरीन प्रोडक्ट्स और डायमंड। ठीक, सिमिलरली मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, आयरन स्टील अकाउंटेड फॉर मेजर शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम जापान। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इंडिया क्या चीजों को एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल्स को, और जापान से क्या चीजों को इम्पोर्ट करता था, फिनिश प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जैसे आपका मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, ये सब चीजों को इम्पोर्ट करता था। और किन चीजों को एक्सपोर्ट करता था? आयरन ओर को, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स को और डायमंड्स को। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरी स्लाइड की तरफ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मरीन प्रोडक्ट्स के बारे में। So Japan continues to be the largest importer of fishery products in the world. It accounts for about 50% of India's export of marine products. So marine products Japan को export किए जाते थे। अगर यहाँ पे Japan के imports की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा fishery products को import करता था, और अगर हम Indian exports की बात करें तो 50% of India exports क्या होते थे? Marine products ही होते थे। अब सोचिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था जापान में, राइट? देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू जापान। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन श्रिम्प्स, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स। मेरे ख्याल से आप लोग को ये पता होगा कि मरीन प्रोडक्ट्स के टाइप्स ही हैं। इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसके रिगार्डिंग कोई ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। जो लोग इन्हें कंज्यूम करते होंगे उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता होगा, राइट? एज इन द केस ऑफ अदर आइटम्स, इंडिया डिपेंड्स हेविली ऑन जापानीज मार्केट फॉर इट्स सी फूड एक्सपोर्ट्स। इंडिया हुज शेयर वॉज 18% ऑफ द मार्केट इन द अर्ली 80s लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स टू थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस। दीज कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कल्चर्ड श्रिम्प्स which accounted for 26% of the world's trade in the shrimps in early 1990s. About 90% of India's export consisted of shrimps captured, while competitors had a large share of farm shrimps. China accounts for about 1/3 of world's output of cultured shrimp, followed by Indonesia, Thailand and Taiwan. देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जापानीज मार्केट के ऊपर हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इन कॉन्टेक्स्ट टू सी फूड। ठीक है, और इसकी वजह सिंपल सी यही है कि इंडिया को एक तरह से वेजिटेरियन कंट्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। अब ये ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि यहाँ पे नॉन वेज प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम किया जाता, बिल्कुल कंज्यूम किया जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया को एक वेजिटेरियन कंट्री ही कंसिडर करते हैं, राइट? तो इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम अर्ली 80s की बात करें तो इंडिया का जो शेयर था वो काफी ज्यादा गिर गया था। ठीक है, पहले इंडिया का शेयर 18% था, लेकिन धीरे धीरे ये शेयर गिरने लग गया। और किन कंट्रीज की वजह से गिरने लग गया था? थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अब इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली इनका जो टेस्ट था ना वो चेंज हो चुका था। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? फ्रोजन श्रिम्प्स, लेकिन अब इनकी डिमांड क्या हो गई थी? कल्चर्ड श्रिम्प्स की होने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इंडिया का शेयर भी गिरना शुरू हो गया था। ठीक है, द जापानीज मार्केट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो प्रोपोर्शनेटली बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। दिस क्रिएट्स सफिशिएंट स्कोप फॉर इंडिया टू इम्प्रूव इट्स पोजिशन बोथ ग्लोबली एंड इन जापानीज मार्केट। इट्स मरीन वेल्थ इज लार्ज इनफ टू इनेबल इट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट्स। अब आप सोचिए एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी पे कितनी ज्यादा निर्भर करती है ना? अब अगर जापानीज मार्केट में डाउनफॉल आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है प्रोडक्ट को लेके वो भी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि वो अपने इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे, और जब अपने इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट कैसे करेगा, है ना? तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो जापानीज मार्केट है वो आगे ग्रो करे, क्योंकि जब वो आगे ग्रो करेगी तो उनके इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे। जब उनके इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो इंडिया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और आपके पास फॉरेन अर्निंग्स भी ज्यादा जनरेट होंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में। सो द मोस्ट इम्प्रेसिव एक्सपेंशन हैज टेकन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स।
अर्निंग्स फ्रॉम विच नाउ एक्सीड दोज फ्रॉम आयरन ओर एंड सी फूड एक्सपोर्ट्स। तो सबसे पहले हमने जब बात करी मरीन प्रोडक्ट्स की, तो वहां पे बताया कि 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट की अर्निंग्स होती हैं वो हमें मरीन प्रोडक्ट्स से आती हैं। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी ने एक अलग ही एक्सपेंशन दिखाया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात करें, अर्निंग्स की बात करें, तो आयरन ओर और सी फूड एक्सपोर्ट से जितनी अर्निंग बनती थी उससे ज्यादा ज्वेलरीज एंड प्रीशियस आइटम्स या प्रीशियस स्टोन से बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, जापान इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी विथ इम्पोर्ट्स मीटिंग अबाउट 30% ऑफ द डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड फिनिश ज्वेलरीज। इम्पोर्ट्स आर मोस्टली लिमिटेड टू मिडिल क्वालिटी ज्वेलरी विथ फाइनर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेड विद इन द कंट्री फ्रॉम इम्पोर्टेड गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। द राइजिंग इनकम ऑफ पीपल एंड द डिजायर टू हैव अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैव क्रिएटेड न्यू फैशंस एंड टेस्ट एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स टू मीट दीज। फॉर सम ईयर्स प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी ऑफ इंडियन ओरिजिन वर इम्पोर्टेड वाया हांगकॉन्ग। तो यहाँ पे अगर मैं जेम्स एंड ज्वेलरी के कॉम्पोजिशन की बात करूँ, तो अराउंड 30% डिमांड को ये फुलफिल करता था जो भी प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता था जापान में। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता था वो होता था आपका मिडिल क्वालिटी की ज्वेलरी। ठीक है, कई टाइप के डायमंड्स आते हैं, ठीक है, कुछ बड़े आते हैं कुछ छोटे आते हैं, तो जो मैक्सिमम इम्पोर्ट होते थे वो होते थे आपके मिडिल क्वालिटी वाली ज्वेलरीज। ठीक, इंडियाज एक्सपोर्ट टू जापान कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 5% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स वाइल द रेस्ट वेंट टू मार्केट्स लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कुवैत यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बट इन डायमंड्स इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू जापान अकाउंटिंग फॉर नियरली 50% ऑफ द वॉल्यूम एंटरिंग दैट कंट्री। इन वैल्यू टर्म्स इट कम्स आफ्टर बेल्जियम एंड इजराइल। Indian export consists of small diamonds which realize a low unit value while the competitors specialize in supplying medium grade diamonds. The United States supplies most of the high grade diamonds and takes the fourth place after India. यहाँ पे अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो लेस देन 5% जापान को एक्सपोर्ट करता था, बाकी जितना भी होता था वो आपका UAE, कुवैत यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था जापान के लिए क्योंकि 50% के अराउंड जो है आपके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था जापान को। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया आपका लो यूनिट वैल्यू के प्रोडक्ट्स को या लो यूनिट वैल्यू के डायमंड्स को एक्सपोर्ट करता था। ठीक, अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स हमारे मीडियम ग्रेड के डायमंड्स को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे वो हाई ग्रेड डायमंड्स को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी वो इंडिया से पीछे ही थे। इंडिया के बाद उनकी कहाँ थी, फोर्थ पोजिशन थी। ठीक, अंटिल रिसेंटली जापान यूज टू टेक पॉलिश जेम्स फ्रॉम इंडिया, नाउ द टेस्ट हैज शिफ्टेड टू फिनिश ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मटीरियल्स फैशन ज्वेलरीज एज दे आर नोन एंड इंडिया हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ट्रेंड। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जापान है वो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना सिर्फ उन्हें एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, जैसे डायमंड्स है उन्हें एक्सपोर्ट करता, लेकिन उन्हें फिनिश प्रोडक्ट्स वो खुद ही बनाते थे। लेकिन क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका टेस्ट चेंज हो गया और अब चीजों को क्या फिनिश फॉर्म में वो इम्पोर्ट करने लग गए थे, जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। क्योंकि देखिए, जो आपका कह सकते हैं रॉ मटेरियल है उसके तो अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप कोई फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर मैं ज्वेलरी से कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो उसमें मेकिंग चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसकी वजह से बेनिफिट हुआ था। ठीक है, हांगकांग एंड थाईलैंड हैव सक्सीडेड इन दिस सेगमेंट बिकॉज ऑफ अ रिलेंटलेस एक्सपोर्ट ड्राइव एंड अटेंशन टू क्वालिटी डिजाइन एंड जापानीज प्रेफरेंस एंड टेस्ट। India has yet to develop a long-term strategy and obtain adequate publicity in Japan about its capacity. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो है आपका आयरन ओर। Notwithstanding weakening world demand for iron ore in general and declining imports of iron ore by Japan in particular, Japan will continue to remain world's largest importer of iron ore. It accounts for about 1/3 of world's import of the item,
Though there had been gradual decline in the imports of iron ore to Japan in the recent years. From the Japanese point of view, India's importance as a source of large quantities of iron ore has diminished. India has slipped to the third place and is way behind the leader, Australia. Therefore, over the last years, what was envisaged as a relationship of mutual interdependence has developed into a relationship of overwhelming dependence for India. A relationship of overwhelming dependence inevitably creates vulnerabilities in respect of prices received and quantities delivered. अब यहाँ पे अगर हम आयरन ओर की बात करें तो जापान सबसे ज्यादा आयरन ओर को इम्पोर्ट करता था, ठीक है, अबाउट 1/3 वर्ल्ड इम्पोर्ट जापान ही करता था आयरन ओर की अगर बात करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आपका एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, ठीक है, और इंडिया की जो पोजिशन है वो थर्ड प्लेस पे आ गई और लीडर कौन बन गया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है कि दोनों को ही बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तो एक तरह से क्या था, इंटरडिपेंडेंस था, कुछ हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब हमारे आयरन ओर की डिमांड कम हो गई, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, राइट। पहले ये जो रिलेशनशिप चल रहा था वो 1-to-1 चल रहा था, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन जब हमारे एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो गए तो हम ज्यादा डिपेंडेंट हो गए जापानीज मार्केट के ऊपर, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राइस था, जो क्वांटिटीज हमने डिलीवर करी थी, हमको उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया था, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, रॉ कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स। सो इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू जापान वर डोमिनेटेड बाय रॉ कॉटन विद वेरी लिटिल डाइवर्सिफिकेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड। Trade in cotton was resumed in 1946-47 and export remained prominent in the first few years after India's independence. By 1951-52, the Japanese market took almost 40% of India's raw cotton export. तो यहाँ पे अगर raw cotton की बात करी जाए तो India raw cotton भी Japan को export करता था, ठीक है, और ये कब शुरू हुआ था, 46-47 में, जब ये एक्सपोर्ट थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम 1951-52 की बात करें तो उस टाइम ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियाज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता था जापानीज मार्केट के अंदर, ठीक है। 15 इयर्स लेटर कॉटन गोइंग टू जापान हैड बिगन टू श्रिंक इन इंडियाज एक्सपोर्ट, स्टिल इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉरन एक्सचेंज अर्नर ऑल्दो इट हैड बीन ओवरटेकन बाय आयरन ओर इन 56-57। धीरे धीरे जो कॉटन का एक्सपोर्ट था वो कम होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक फॉरेन एक्सचेंज अर्नर की तरह काम कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद, कि आयरन ओर ने इसके जो एक्सपोर्ट है इसको क्या कर लिया था, ओवरटेक कर लिया था, ठीक, इन द ईयर 1956-57, ठीक। बट द ग्रेट डेज ऑफ कॉटन वर कमिंग टू एन एंड, इट्स फ्यूचर वॉज जियोफर्टिलाइज्ड बाय टू डेवलपमेंट्स। The first one was the introduction of synthetic substitutes by Japan in the place of natural cotton fiber. As a consequence, the demand for raw cotton began to grow weak. अब ये हम लोग को ही पता है कि कॉटन की डिमांड पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद जब इसके सब्सटीट्यूट्स आ गए तो कॉटन की डिमांड कम हो गई, है ना। कहीं ना कहीं कॉटन को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करने लगे क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, बहुत अच्छे अच्छे फाइबर्स आ गए जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जापानीज का टेस्ट भी चेंज हो गया, फिर सब्सटीट्यूट्स भी आ गए मार्केट में, तो हमारी जो नेचुरल कॉटन थी उसकी डिमांड भी कम होना शुरू हो गई थी, ठीक है। इंडिया हैड टू कम्पीट विगरसली फॉर अ श्रिंकिंग मार्केट विद सप्लायर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब सोचिए आप, मार्केट आपकी गिरती जा रही, फिर भी आप कम्पीट कर रहे, वो भी किन से, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स से। चलिए पाकिस्तान को इतना वैसे भी हम लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी बाकी कंट्रीज से हम कम्पीट कर रहे थे जबकि हमारी खुद की मार्केट कितनी ज्यादा गिरती जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद इन इंडिया लीडिंग टू अ स्टीप राइज इन डोमेस्टिक कॉटन कंजम्पशन एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस। देखिए आपको ये खुद ही पता होगा कि हम चीजों को एक्सपोर्ट कब करते हैं,
जब हमारे यहाँ उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, राइट। उसके बाद जब हम अपनी कंट्री की डिमांड को फुलफिल कर लेते हैं, और उसके बाद जब अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स बचते हैं तो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो सेकेंड सिनेरियो हुआ था वो यही हुआ था कि इंडिया में जो कॉटन है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, कॉटन का जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अब सीधी बात ये है कि अगर आपकी डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले पहले आप अपनी कंट्री की डिमांड को देखेंगे ना, अगर वहां से कुछ बचेगा तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो गई थी कि इंडिया में कॉटन प्रोडक्ट्स की या कॉटन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसकी वजह से प्रोडक्ट्स को आगे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, और इसी वजह से जो कॉटन का हमारा एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन कर गया था। सबसे पहली वजह तो क्या थी, वो यही थी कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आ गए थे कॉटन के, इसलिए वो एक्सपोर्ट हमारे रिड्यूस हो गए। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कॉटन कंजम्पशन बढ़ गया था, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाए, राइट। द लॉस ऑफ अर्निंग्स कॉज्ड बाय फॉल इन रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कॉटन रिलेटेड गुड्स लाइक फैब्रिक्स, शीट्स एंड कवर्स, रेडीमेड गार्मेंट्स, कॉटन एसेसरीज एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स। अब देखिए हमारे जो रॉ कॉटन है उसकी जो एक्सपोर्ट्स है वो तो डिक्लाइन कर गए थे, राइट। अब इसको हमें कहीं ना कहीं से तो कॉम्पनसेट करना ही था, क्योंकि भाई हम तो इंडियंस हैं, हम इतनी जल्दी तो हार मानते नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी मार्केट खराब हो गई, हमारा प्रोडक्ट नहीं आगे सेल हो पाया, कोई बात नहीं, हम इससे कुछ और अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया गया, अलग टाइप के फैब्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, रेडीमेड गार्मेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कॉटन एसेसरीज, हैंडलूम प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आप सोचिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स कितनी तेजी से मार्केट में सेल हुए थे, आज भी सेल होते हैं। अगर आप कोई जैसे फेयर एयर में जाइए तो वहां पे हैंडलूम प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ये सारे कॉम्पोजिशन की क्या क्या चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। अगर आपने खुद पढ़ा होता तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बोरिंग और मोनोटनस हो जाना था, लेकिन मैंने आपको स्टोरी की तरह सब कुछ समझाया तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया भी होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा, है ना। और कुछ हद तक चीज़ें याद भी हो गई होंगी, अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो याद रहेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक में कंजूसी पता नहीं क्यों करते हैं आप लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम जापान। तो अभी तो बात कर ली कि क्या क्या प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, अब देख लेते हैं किन प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते थे जापान से, ठीक है। सो फार एज इंडियाज इंपोर्ट्स आर कंसर्न द मेजर आइटम्स आर मशीनरी एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्ट गुड्स, आयरन स्टील, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल रेजिन्स, प्लास्टिक मटीरियल्स एक्सेट्रा एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। दस एज यूजल इंडियाज इम्पोर्ट्स रिमेन मेनली कन्फाइंड टू मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तो कुछ समझाने लायक बात थी नहीं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंडिया जापान प्रॉस्पेक्ट्स। ये मैंने आपको बताया ही था, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, ठीक है। सो इन कंपैरेटिव टर्म्स द लेवल ऑफ इंडो जापानीज ट्रेड रिमेन्स रादर लो एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एडिक्वेटली द ग्रोइंग वर्सटैलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। What is even more striking is that it is still confined largely to a low-valued, narrow Indian export base. The shift towards manufactured goods has been very slow and imperceptible. तो यहाँ पे अगर हम इंडो जापानीज ट्रेड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। आज भी अगर देखा जाए तो लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट किया जाता है और इंडिया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाया जिन प्रोडक्ट्स को इंडिया इंपोर्ट करता था जापान से, ठीक है। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई ट्रेड विद जापान हैज नॉट मूव्ड फास्टर इज दैट इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटजी डिड नॉट अंटिल रिसेंटली गिव अ सेंट्रल प्लेस टू फॉरेन ट्रेड एज अ मीन्स ऑफ मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज। द रिलेटिवली बेटर एंड ईजी एक्सेस इट हैड टू फॉरेन एड both bilateral and multilateral did not generate sufficient pressure under which a vigorous trade policy formulation was possible. तो अब इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड इतना अच्छा तो नहीं था, और उसकी क्या वजह थी। सबसे पहली वजह तो यही थी कि जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी थी वो
वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, कोई एक सेंट्रल प्लेस नहीं था, या एक कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी जिसको अप्लाई किया जा सके। चाहे हमारा बायलेटरल ट्रेड हो या मल्टीलेटरल ट्रेड हो, ये भी इतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाए, इतना ज्यादा दबाव नहीं डाल पाए कि कुछ नई पॉलिसीज को फ्रेम किया जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो इंडिया और जापानीज का ट्रेड था वो उतना बेहतर नहीं हो पाया था। ठीक है, द एक्सपोर्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1970 ट्राइड टू प्रोवाइड अ करेक्टिव टू दिस बाय एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड अचीव नेशनल सेल्फ रिलायंस इंस्टेड ऑफ इवॉल्विंग इन टू अ लॉन्ग टर्म ट्रेड स्ट्रैटेजी कवरिंग अ होल गैमट ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट पॉलिसी गॉट डाइल्यूटेड इन टू अ जस्टिफिकेशन टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल सपोर्ट टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी टू एक्सपोर्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड ईजी लाइसेंसिंग फॉर इंटरप्राइजेस डूइंग बिजनेस इन जेम्स एंड ज्वेलरीज। अब देखिए, इंडिया को ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई थी कि उन्हें अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाने की जरूरत है, तभी वो ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो करेक्टिव एक्शंस लेने थे, इसके लिए इन्होंने एक एक्सपोर्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाला था 1970 में, ताकि जो भी गड़बड़ी हुई है या फिर जो भी हमारी ट्रेड पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सही किया जा सके, रेक्टिफाई किया जा सके। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया गया, जो एक्सटर्नल असिस्टेंस हम लेते थे उसको रिड्यूस कर दिया गया, और इंडियंस ने क्या सोचा कि अब हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा अब हमारी कंट्री के अंदर ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इस पॉलिसी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे सबको आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया था, ये सपोर्ट सिर्फ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही प्रोवाइड किया गया था। जैसे कि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी आपके इंजीनियरिंग गुड्स को, ठीक है, लाइसेंसिंग की फैसिलिटी दे दी गई थी, या फिर कोई ऐसे बिजनेसमैन जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी के प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो उनको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिसी बनाई थी करेक्टिव एक्शंस को लेके वो भी इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रही, राइट? अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे क्या हुआ था। With the yen appreciating continuously in relation to the rupee, exporting to Japan would become increasingly attractive. There are of course no ready-made solutions or shortcuts to get a place in Japanese market. Trade with Japan, as with others, will certainly improve if the Indian economy manages to fulfill the growth rate of national products envisaged by the 8th five-year plan, namely 5.6%. With trade receiving sufficient attention, a high growth rate of the economy would be conducive to a correspondingly high rate of trade expansion, and the Japanese market has a tendency to respond positively to vibrant expanding economy. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, येन एप्रिशिएट करने लग गया था रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में, और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और अट्रैक्टिव भी हो जाता है, राइट? तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तो कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उतना ज्यादा अपलिफ्टमेंट नहीं मिल पाया था एक्सपोर्ट को। ठीक है, यहाँ पर बात आती है 8th 5-year plan की, जहाँ पे हमने बोला था कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 5.6% होगा। ठीक है, अब जापान ने क्या बोला कि अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं या फिर आपकी ग्रोथ रेट इससे ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो अच्छे हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जापान का यही मानना था कि जो इकोनॉमीज एक्सपैंड कर रही है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, द जापानीज मार्केट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड टू एंटर एंड स्टे इन इट कॉल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। इन अदर वर्ड्स, देयर इज अ नीड फॉर इंडिया टू फोकस अटेंशन ऑन डेवलपिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स instead of looking for preferential treatment such as the generalized system of reference introduced by the Japan in August 1975. इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि देखिए जापानीज मार्केट कैसी है, हमारी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और अगर हमें इस मार्केट में आगे बने रहना है, स्टे करना है, तो सबसे पहले हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि हम इस पर्टिकुलर मार्केट में लंबे टाइम तक रह सके और मार्केट को कैप्चर कर सके। ठीक है,
क्योंकि देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको बताता है कि अगर आप इतने दिन में पढ़ लो या इतना कर लो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो ये सब झूठ होता है, एकदम भी विश्वास करने लायक बातें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इंडिया के साथ वही सीन था कि इंडिया से बोला था कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करो, ठीक है, अपनी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अपग्रेड करो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मत ढूंढिए, आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए ताकि वो प्रोडक्ट्स खुद ही आपकी मार्केट आगे बना पाए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट्स टू इन्वॉल्व जापान इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। द बैंक फील्स दैट देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग जापान इंडिया इकोनॉमिक टाइज एंड दैट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स जापान कुड प्ले द सेम कैटलिस्टिक रोल फॉर साउथ एशिया एज इट डिड फॉर ईस्ट एशिया। दो द जापानीज बिजनेस एंड इंडस्ट्री हैव हैड देयर प्रेजेंस इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, द रिलेशनशिप हैज सो फार फोकस्ड ऑन एड एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक पूरी अपने कोशिश कर रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है कि जापान इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया जापान इकोनॉमीज मिल जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जापान एक तरह से कैटलिस्ट का रोल ऑलरेडी प्ले कर चुका है फॉर ईस्ट एशिया, और वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए भी ऐसा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एज मेंशनड अर्लियर फॉर इंडिया जापान हैज बीन वन ऑफ द मेजर ट्रेड पार्टनर अकाउंटिंग फॉर अ फेयरली लार्ज शेयर इन द फॉर्मर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ओवर द ईयर्स। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज सो फार ओनली अ मार्जिनल पार्टनर इन जापान्स ट्रेड। इंटेंसिफिकेशन ऑफ बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन वुड रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स ऑन बोथ साइड्स इन द स्पिरिट ऑफ ट्रू म्यूचुअल बेनिफिशियल पार्टनरशिप। These are needed to both governmental and industry levels. देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जो इंडिया का ट्रेड था जापान के साथ वो काफी ज्यादा था, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को लेके हो चाहे इम्पोर्ट्स को लेके हो, लेकिन ये मार्जिनल पार्टनर की तरह ही रह गया। मार्जिनल पार्टनर का मतलब यहाँ पे एक तरह से ये हो गया कि बस ट्रेड तक ही कुछ रिलेशंस हैं, अगर हम आगे अच्छे रिलेशंस की बात करें तो उतना ज्यादा नहीं है। तो अगर दोनों कंट्रीज़ को अपने रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो दोनों ही कंट्रीज़ को म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, और ना ही सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे भी ये करना पड़ेगा अगर हमें अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू जापान एंड जापान्स एक्सपोर्ट टू इंडिया can be attributed largely to the past over-protective trade policies practiced in India. अब ये चीज़ मैं बहुत पहले से आपको बता रही आ रही हूँ कि इंडिया प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, इसकी वजह से हम आज तक पीछे हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो करते थे और कंट्रीज क्या कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, चाहे हम यूएसए की बात कर लें, चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे रशिया की बात कर लें, और आप खुद ही देखते हैं आज कि वो सब कंट्रीज हमसे आज भी कहीं ना कहीं आगे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं लेकिन वो हमसे पहले ही कितनी दूर तक आगे बढ़ चुकी हैं। ठीक है, सिंस द इनिशिएशन ऑफ प्रेजेंट रिफॉर्म प्रोसेस इन इंडिया देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस। इंडियाज लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसीज हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल एंड द जापानीज मार्केट रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस हैज बीन क्वाइट पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इंडिया अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाता जा रहा है, इंडिया लिबरलाइज होता जा रहा है, जापानीज मार्केट भी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है, और एक तरह से कहें तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जापानीज मार्केट की तरफ से भी मिल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई नो सेशन काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही वीडियो में कवर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बार बार फिर सेशन लेना, कभी कभार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कभी इंटरनेट इशू हो जाता है, तो अब कोशिश यही रहेगी कि जो भी सेशन प्रोवाइड करूँ इन वन गो हो, एक ही बार में वो सेशन कंप्लीट हो जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, अराउंड 1 आवर की, बट मुझे पता है वो चीज़ आप लोग मैनेज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट टू जापान स्पेसिफिक अटेंशन इज टू बी पेड ऑन द फॉलोइंग मेजर्स। तो अगर इंडिया जापान ट्रेड बढ़ाना है, इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन जनरल ऑल द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटी ग्रुप्स शुड बी ब्रॉट अंडर रिगरस क्वालिटी कंट्रोल,
द न्यू एंट्रेंस टू द एक्सपोर्ट बास्केट शुड सेटिस्फाई द फैशन कॉन्शियस जापानीज. देखिए जो जापानीज है वो फैशन कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिटी कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो हमारे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें उनकी क्वालिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है. और जहाँ पे जापानीज मार्केट में जिस तरह की डिमांड है, हमें उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टू फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आयरन ओर एंड कॉन्सेंट्रेट्स, रॉ कॉटन, ऑयल केक्स, फिश एंड फिश प्रिपरेशंस, क्रोम बोर, टोबैको एंड कैश्यू कर्नल्स एक्सपोर्टेड टू जापान. ठीक है, तो अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है जो भी प्रोडक्ट्स हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे जापान को. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अनदर मेजर वुड बी टू इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू रोज वुड, टी एंड कॉफी. इट मस्ट बी इंश्योर दैट द एफर्ट्स टू ऑग्यूमेंट एक्सपोर्ट सरप्लस टू दीज कमोडिटी ग्रुप्स मस्ट बी इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड एंड दैट देयर प्राइस आर केप्ट रेम्यूनरेटिव. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हमें रोजवुड, टी एंड कॉफी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना पड़ेगा. और जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारा सरप्लस जनरेट होगा और हमें उसे एक्सपोर्ट करना होगा, वो हमें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा जापान के साथ. और उसके जो प्राइजेस हैं वो भी रेम्यूनरेटिव रखने पड़ेंगे, मतलब रीजनेबल प्राइजेस भी कोट करने पड़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर एंड कॉन्सेंट्रेट्स एक्सपोर्टेड टू जापान कुड बी मेड पॉसिबल बाय इंटेंसिफाइंग द मैकेनाइजिंग ऑफ द माइनिंग ऑपरेशंस, एंश्योरिंग स्पीडियर एंड एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर द मूवमेंट ऑफ ओर्स एंड एनलार्जिंग द बर्थ्स. तो अगर हमें आयरन ओर की क्वांटिटी को बढ़ाना है, उसके कॉन्सेंट्रेट्स को एक्सपैंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है जापान में, तो हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा स्पीडियर करना पड़ेगा. ठीक है, और कुछ हमारे जो मैकेनाइजिंग पॉलिसीज हैं, माइनिंग ऑपरेशन हैं, इसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे. इन ऑल कहने का मतलब ये है कि अपने ऑपरेशंस में थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को स्पीड अप करने की ज़रूरत है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द आर्टिसंस टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ कट डायमंड्स, गारमेंट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी आपके आर्ट वर्क्स होते हैं ना, जैसे डायमंड्स हैं, गारमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें आपको एक तरह से कहते हैं ना कला की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए ताकि जो काम हो उसके ऊपर वो ज़्यादा अच्छा हो, बारीक हो, है ना. क्योंकि देखिए डायमंड्स की बात रहती है, गारमेंट्स की भी बात है, तो बहुत ही बारीकी वाला काम होता है, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक, अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडिया जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता था जापान से, जैसे आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, इन सब प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. कैसे, कि वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपनी कंट्री में ही इस्टेब्लिश कर दे, बट विद द कोलैबोरेशन विद जापान. ठीक है, जापान के साथ टेक्निकली कोलैबोरेट करके हम इंडस्ट्रीज को अपनी कंट्री में ही सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आज का हमारा सेशन भी यहीं तक था. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट को. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.